आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है संडे और अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी खाना का तैयारी करके बैठी हूँ और मैं आज जा रही हूँ बनाने पनीर। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों के साथ पनीर की रेसिपी भी शेयर कर दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो हम अभी बनाएंगे पनीर और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि पनीर के साथ में चावल खा सकते हैं बट हम लोग रोटी ही खाते हैं। तो चलते हैं अब किचन में और करते हैं तैयारी। तो मैंने आधा कर लिया, आधा बाकी है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पनीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो रहती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ पनीर की रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ किचन में। सो गाइस, यहाँ मैं आ गई किचन में और यहाँ मैंने 3 टमाटर अदरक लहसुन ले लिया है और यहाँ पे बॉयल आलू और ये है 2 प्याज और ये है पनीर। और हम लोग ये पनीर यूज़ करते हैं, यही पनीर खाते हैं और पैकेट वाला पहले खाते थे बट अब ये जब से खाने लग गए तो हम लोग को तब से यही अच्छा लगता है तो यही खाते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर को निकाल लिया है, ये देखिए प्लेट में, और जो पनीर में पानी था वो भी निकाल लिया है। और देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है टमाटर का और यहाँ मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया। अब तेल गरम हो चुका है तो अब मैं पहले फ्राई करूँगी पनीर को। तो सबसे पहले मैं पनीर में डाल रही हूँ नमक, फिर उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालूँगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैं मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और उसके बाद मिक्स करके मैं इन सब पनीर को फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का करके फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करके सबको उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ और उसके बाद जो बाकी तेल बचेंगे ये देखिए मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल और बच गया है तो मैं उसमें ये जो आलू बॉईल किया हुआ है उसे मैं फ्राई कर दूँगी। तो मैंने यहाँ देखिए आलू और पनीर दोनों को फ्राई कर लिए हैं और अब देखिए कढ़ाई गर्म ही है तो मैं उसमें डाल दूँगी ऑयल और ऑयल गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा और जीरा जैसे चटक जाते हैं तो मैं उसमें डाल दूँगी थोड़े से खड़े मसाले और एक तेज पत्ता भी डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट और प्याज को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ देखिए प्याज भून चुका है हमारा तो मैं इसे थोड़ी देर और भून लेती हूँ और जब अच्छे से भून जाएंगे तब मैं उसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए टमाटर का पेस्ट, और टमाटर के पेस्ट को भी हमें प्याज के साथ अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक टमाटर और उसमें से तेल ना छोड़ दे। और यहाँ मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं तो इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने मिर्ची पाउडर लिया है। और ये मिर्ची तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं ज़्यादा या कम। और मैंने यहाँ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ नमक स्वाद अनुसार रखा है। और देखिए यहाँ हमारा टमाटर भुन चुका है तो मैं इसमें ये सूखे मसाले ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से भून लेती हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे भून लूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं जले ना। और इसे हमें अच्छे से पकाना है और तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ देखिए मसाले भून चुके थे, मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी डालने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाल दिया और यहाँ कुछ फ्रेश मलाई है जो घर के ही है तो मैं इसमें डाल दूँगी और मसाले के साथ भून लूँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा आ गया है, जब पनीर बनता है तो वो किचन में आके खड़ा हो जाता है, उसको चाहिए। देखिए हाथ में बाटी भी लेके रखा है तो वही मांगने के लिए आ गया था कि उसको पनीर चाहिए। तो बस, और यहाँ देखिए मैंने सारे फ्रेश मलाई को मसाले के साथ मसाले में डाल दिया है और मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है मलाई। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ आलू, और आलू को मसाले के साथ अच्छे से पहले भून लेंगे हम। उसके बाद ही मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी जो मैं डालूंगी वो है ये पनीर में से, जो मैंने डब्बे में से पनीर निकाला था और उसी में जो पानी था वही पानी मैंने ऐड किया है, और एक्स्ट्रा पानी भी डालूंगी। तो यहाँ देखिए मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी पानी डालूंगी, ग्रेवी अनुसार जितना थिक की रखना है आपको उतना उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब ग्रेवी जो है वो उबलने लगी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट में फ्राई किया हुआ पनीर। और देखिए मैंने सारे पनीर ऐड कर दिए हैं, और मैंने ग्रेवी ज़्यादा पतला नहीं रखा था। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डालने से तो पता ही है कितना अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरा पनीर का सब्ज़ी बन के तैयार है, और ये बहुत ही जल्दी क्विकली बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मेरा पनीर का सब्ज़ी तैयार हो चुका है, डन। मेरा पनीर का सब्ज़ी बन के तैयार है, और अभी बच चुके हैं 8। वैसे तो पनीर का सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वीडियो भी शूट करना रहता है और उधर खाना की भी मतलब सब्ज़ी की तैयारी करनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं तो पनीर की सब्ज़ी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ही बन जाती है, बस तैयारियां में ही थोड़ी सी टाइम लगती है, बाकी बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस वीडियो जब बनाना रहता है तब ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी 8 बज चुके हैं, और अभी मेरे हस्बैंड अभी दुकान पर ही अभी तक नहीं आए हैं, तो और बाकी सब तो घर में ही है, बस वही दुकानें हैं। और मेरा रोज़ का यही रूटीन रहता है कि मैं शाम को थोड़ा जल्दी ही जल्दी मैं खाना भी बना लेती हूँ, बट रोज़ थोड़ा लेट से बनाती हूँ। जब सब आ जाते हैं दुकान से तभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ गरम गरम, तो गरम गरम रोटियाँ खाने में ही अच्छी लगती है। और आज मेरा मूड थोड़ा सा आप लोग को ऑफ दिख रहा होगा, बट ऑफ नहीं है, मैं थोड़ा आज बहुत देर तक सोई थी तो इस वजह से ऐसा लग रहा है दिखने में। और बस अभी बन चुका है, अब मुझे बनाना है रोटी। तो बस अभी मैं थोड़ा तब तक मैं थोड़ा सोची कि आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ। पिछले ब्लॉग आप लोगों को बताया था कि मैं गई थी विशाल मार्केट, तो वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदारी की थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कुर्ती ली थी और एक मैंने ये सरारा पैंट लिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है और मुझे कितने प्राइस में मिला, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मैंने लिया है एक कुर्ता जो काफ़ी प्यारा कुर्ता है, ये देखिए ये है कुर्ता। सॉरी ये उल्टा है, मैं मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने इसको ट्राई किया था ना तब मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसको सीधा करके। तो ये देखिए ये है कुर्ता, ये है पीच कलर का, और सिंपल है पूरा, प्लेन है, कुछ डिज़ाइन नहीं है इसमें। बस यहाँ पे इसका नेक में ऐसा ये मरून कलर के धागे से इस तरीके से देखिए डिज़ाइन किया गया है, और ये यहाँ पे 3 बटन्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और ये टसल यहाँ पे लटका दिया गया है वही सेम कलर में। तो काफ़ी प्यारा कुर्ता है और बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया। वैसे मुझे कुछ लेने का वहाँ पे ये लेने के लिए नहीं गई थी मैं, बस ऐसे ही देखने गई थी, सुना था कि ऑफ़र चल रहा था, मैंने सोचा चलो देखती हूँ। तो ऑफ़र में मुझे ये पसंद आ गया और काफ़ी कम प्राइस में था, तो मैंने ये ले लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता, और पीच कलर में है, एक कलर में है, और पूरा प्लेन है, तो आजकल प्लेन कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, अच्छी लगती है पहनने में भी। और मैं इसका प्राइस बता दूँ तो ये मुझे मिली है ऑनलाइन, वैसे तो ये 499 की है, बट मुझे ये ऑफ़र में मिली है 150 में मिली है, बहुत ही कम प्राइस में मिली है। और नेक्स्ट जो मैं लिया है वो है एक सरारा, तो ये मुझे काफ़ी दिनों से मन था मुझे ये लेने का, और ये देखिए ये रेड कलर में, मरून या रेड, डीप रेड है ये देखिए। और इसमें ये देखिए ये गोटा पत्ती का इस तरीके से किया गया है, और इसका जो फ्लेयर है देखिए काफ़ी ज़्यादा है इसका घेरा,
बहुत ही प्यारा लगता है पहनने से। और यहाँ पे ना ये रबर है, और यहाँ पे ये रस्सी भी दिया गया है, अगर कमर में लूज़ होने से आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने साइज़ का लिया है, और इसमें मेरा साइज़ मुझे एम साइज़ मिल गया, और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इसका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मुझे मिला था 250 समथिंग में मुझे ये मिला था। हाँ, 250 के आसपास ही था इसका प्राइस। तो ये काफ़ी प्यारा है, पहनने पे बहुत अच्छा लुक आता है। और ये मुझे पहले पसंद आ गई थी, तो ये मैंने ले लिया था, और बाद में जब मैंने ये कुर्ता देखा तो ये भी मुझे पसंद आ गया। और ये मैंने अलग अलग ही लिया था, बट ये दोनों मैचिंग हो गया, तो इन दोनों का एक सेट बन गया है। और पहनने पे काफ़ी प्यारा लुक आने वाला है इसका, क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर में है और ये थोड़ा लाइट है, तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने इसे ट्राई करके, और कुर्ती में जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल है, मुझे फर्स्ट टाइम मेरे साइज़ की कुछ मिल गई है जो मुझे पसंद आई, और मेरे साइज़ में भी मिल गई। नहीं तो मुझे जो पसंद आता है वो मेरे साइज़ में नहीं मिलती है। तो यही कुछ, यही दो चीज़ मैंने लिया था, और कुछ नहीं लिया था। बस वहाँ से मैंने मेरे बेटे के लिए कुछ चिप्स वगैरह ली थी, तो बस इतना ही कुछ लिया था और कुछ नहीं लिया था। तो आज मैंने आपके साथ अपनी ये शॉपिंग भी शेयर कर दी। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही था आज का वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।